हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेपीस रेसिपी। फ्रेंड्स, अभी के टाइम में हमें इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने की बहुत ही ज़रूरत है। जो भी वायरल इन्फेक्शन चालू है उससे बचने के लिए हमें इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ानी ही पड़ेगी। तो इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए नॉर्मली यूज़ किया जाता है एलमंड, खट्टे फ्रूट्स, ब्रोकली और बहुत सारी ऐसी ऐसी हल्दी है, जिंजर है, बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं और मसाले हैं इंडियन कुकिंग में जो हम यूज़ करते हैं इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए। तो उसी के लिए आज हम बनाते हैं ब्रोकली आलमंड सूप। ब्रोकली आलमंड सूप बनाने के लिए मैंने लिया है ब्रोकली 250 ग्राम जितना ब्रोकली है, जिसे कट करके मैंने पानी के अंदर भिगो के रखा है। आधे घंटे से पहले मैंने भिगो के रखा है 20 आलमंड मैंने आधे घंटे से ऊपर टाइम हो गया है भिगो के रखा है। उसका छिलका जो है वो निकलना चाहिए। हल्का सा गुनगुना पानी लिया है और भिगो के रखा है। हाफ कप जितना दूध लेना है, 4 से 5 लहसुन की कलियाँ, 1 छोटा सा ऑनियन, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 1/2 चम्मच नमक और ब्लैक पेपर पाउडर। तो आइए बनाते हैं ब्रोकली सूप। एक पैन में मैंने लिया है 2 कप पानी और उसे हम बॉईल करने रखेंगे। जैसे ही पानी हल्का सा गर्म होता है उसके अंदर ऐड करेंगे हम ब्रोकली, ऑनियन एंड गार्लिक। पानी गर्म हो गया है, इसके अंदर ऐड करेंगे हम ब्रोकली। ब्रोकली को मैंने सिंपल तोड़ दिया है, उसे कट नहीं किया है और बस एक खुला खुला कर देना है उसे और बॉईल करना है। उसके अंदर ऐड करेंगे हम गार्लिक और ऑनियन, कट किया हुआ ऑनियन और गार्लिक दोनों ही साथ में ऐड कर देंगे और अराउंड 10 मिनट तक इसे हम बॉईल कर लेंगे। फ्रेंड्स, जब तक हमारी ब्रोकली बॉईल होती है तब तक हम आलमंड का पेस्ट बना लेते हैं। नॉर्मली आलमंड का छिलका जो है वो हम निकाल देते हैं, लेकिन अगर हम छिलका निकाल लेंगे तो आलमंड के छिलके में बहुत ही अच्छे फाइबर रहते हैं, वो निकल जाएगा। और सिंपल अगर छिलका निकालेंगे तो खाली टेक्सचर में फ़र्क आता है, जो एक वाइट पेस्ट बनती है उतना ही है। अदरवाइज आप छिलका रहने देंगे तो टेस्ट में कोई भी फर्क नहीं आएगा, इसीलिए मैं विथ स्किन आलमंड यूज कर रही हूँ। बस अभी हम इसे अच्छे से पेस्ट बना लेंगे, एकदम स्मूथ पेस्ट हमें रेडी करना है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं दरदरा पीस के रेडी हैं। इसके अंदर हम मिल्क ऐड करेंगे और धीरे धीरे मिल्क भी इसके अंदर ऐड करके इसका एकदम ही फाइन पेस्ट रेडी करेंगे। 2 से 3 टेबलस्पून जितना मिल्क अभी मैं ऐड करती हूँ। आप देख सकते हैं और भी ऐड करेंगे मिल्क, 3 टेबलस्पून मिल्क और ऐड कर दिया है और हम साथ ही में कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर देंगे और एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। और कॉर्नफ्लोर मैंने इसके साथ इसीलिए ऐड किया है ताकि बिल्कुल भी लंग्स ना हो, एकदम ही स्मूथ पेस्ट हमारी रेडी हो जाए। तो फ्रेंड्स, हमारी एकदम अच्छे से पेस्ट रेडी हो गई है। इसके अंदर सारा दूध भी हम ऐड कर देंगे और उसके बाद ये ही पेस्ट मिल्क के साथ बनाई हुई आलमंड की पेस्ट सूप के अंदर ऐड कर देंगे। इसे अभी हम साइड में रख देते हैं। तो फ्रेंड्स, 10 मिनट से ऊपर हो गया है और ये जो हमारी ब्रोकली है वो भी एकदम ही अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, कुक हो गई है। उसकी जो डंठल है, डंडी है, वो भी अच्छे से कुक हो गई है। तो बस ऐसे ही हमें ब्रोकली कुक करनी है। पानी जो है ऑलमोस्ट हाफ से कम हो गया है,
तो बस अभी हम गैस को टर्न ऑफ करेंगे, हल्का सा ठंडा होने देंगे और उसके बाद इसका हम प्योरी बनाएंगे। फ्रेंड्स, ठंडा हो गया है और एकदम ही अच्छे से ठंडा होने के बाद ही आप इसे ग्राइंड कीजिए। पानी हो सके उतना कम लीजिए, बाद में हम यही पानी यूज़ करेंगे, लेकिन पहले से ही अगर ज़्यादा पानी होगा तो कंसिस्टेंसी सूप की हम कम ज़्यादा ठीक या पतली कंफर्म नहीं कर पाएंगे। अभी बारी है स्पाइसेस के साथ सूप को उबालने की। स्पाइसेस और आलमंड के साथ सूप को हम उबालेंगे। बहुत ही कम टाइम उबालना होगा बिकॉज हमने ऑलरेडी कुक कर लिया है। तो ये ऐड करेंगे हम ब्रोकली का जो पेस्ट हमने रेडी किया है वो। आप देख सकते हैं अच्छा सा गाढ़ा थिकनेस भी है हमारा। इसके अंदर अभी हम और भी ऐड करेंगे दूध और जो रिमेनिंग वाटर है वो भी, रिमेनिंग वाटर भी हम ऐड कर देंगे। साथ ही में ऐड करेंगे नमक, नमक और काली मिर्च, बस एक हल्का सा उबाल आने के बाद ऐड करेंगे हम एलमंड का, एलमंड और मिल्क के साथ हमने जो पेस्ट रेडी की है वो। अब देख सकते हैं उबाल आ गया है। उसके बाद हम ऐड करेंगे दूध, बादाम और कॉर्नफ्लोर के साथ रेडी किया हुआ हमारा पेस्ट, और फिर हमें झटपट से मिक्स करना है बिकॉज कॉर्नफ्लोर की वजह से इसमें अच्छे से गाढ़ापन आने लगेगा, और एक बार अगर उसके अंदर लम्स हो जाएंगे तो हम इसे तोड़ नहीं पाएंगे। इसीलिए उबलते हुए सूप में ऐड करेंगे, लेकिन फटाफट उसे स्टर भी कर लेंगे। फ्रेंड्स, अब देख रहे हैं अच्छे से उबल गया है। बस 2 से 3 मिनट ही लगेगा इसे उबलने में, तो गैस को टर्न ऑफ करते हैं और ये हमारा ब्रोकली आलमंड सूप रेडी है। इसे हम अच्छे से एक बड़े से बाउल के अंदर निकाल लेंगे और सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं हल्की हल्की लाल आलमंड की जो छिलके हैं उसकी वजह से हल्का हल्का लाल लाल छांट जो है वो दिख रहा है आलमंड सूप में अंदर। तो अगर आप छिलके निकाल लेंगे तो ये क्लियर दिखेगा, लेकिन फ्रेंड्स छिलका रहने देना बहुत ही अच्छा है, इसीलिए मैंने इसमें छिलका बाकी रखा था। तो उसके साथ हम हल्के से ही बॉईल किए हुए ब्रोकली के पीसेस हैं उसके साथ हम गार्निश कर लेंगे। तो फ्रेंड्स रेडी है हमारा ब्रोकली आलमंड सूप, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी और एकदम से ही झटपट बन जाने वाला। अभी के टाइम में जब भी आप लोग सब घर पे हैं तभी आपको छोटी छोटी भूख को भगाने के लिए आप ये जरूर ट्राई कीजिए। देखते रहिए मेरा चैनल तरतीस रेसिपी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिए ताकि ऐसे ही मेरे वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। लेकिन फ्रेंड्स प्लीज स्टे होम एंड बी सेफ। थैंक यू।